जमाना छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल, मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत गिरफ्तार। ईडी ने 200 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में किया गिरफ्तार, मामले से जुड़े अन्य भी होंगे बेनकाब। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि राज सिंह गहलोत ने लोगों के लिए आवंटित आवासीय जमीन पर बेहद भव्य माल बनाया और जिस जमीन पर एम्बियंस मॉल बनाया गया था वह एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए थी। उन्हें आज दिल्ली की ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से ईडी उसे रिमांड पर लेगी। इससे पहले सीबीआई ने राज सिंह गहलोत और उनकी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले की तफ्तीश करने का निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था और कहा गया था कि जल्द से जल्द इस मामले की तफ्तीश करने के बाद आगे की रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए। सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर एक निजी व्यक्ति गहलोत एम्बियंस लिमिटेड और एम्बियंस डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुड्डा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यहां बता दें कि ईडी और सीबीआई ने पिछले साल गहलोत के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस बार ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ करेगी, जिसमें मामले से जुड़े अन्य लोगों के बेनकाब होने की संभावना है। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।